ये क्या है आप लोग जानते होंगे, इसे काचरी बोलते हैं, बहुत से लोग कचरी भी बोलते हैं, और ये हरियाणा और राजस्थान में मिलती है। इससे काफी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई जाती है। तो आज हम बनाएंगे काचरी और लहसुन की चटनी। तो ये मैंने 250 ग्राम काचरी ली है, इनको अच्छे से धो लिया है, और अब इसका ये जो ऊपर का पार्ट है छिलका यानी कि, इसे मैं उतार दूंगी। एक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसका छिलका हटाया जाता है। इस तरह से हम सारी काचरियों का छिलका हटा लेंगे। इसमें कई कई काचरी बहुत सी कड़वी भी निकल जाती है, तो बनाने से पहले हम इसका एक एक टुकड़ा निकाल के और टेस्ट करेंगे, जिससे हमारी चटनी पूरी कड़वी ना हो। ये देखिए पूरा छिलका हट गया है, और इतना सा पीस तोड़ के हम इसको टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमें मालूम चल जाए ये कड़वी नहीं है। तो इस तरह से सारी काचरी मैं छील लूंगी। सारी काचरियां मैंने छील ली है, आप इसे बिना छीले भी वैसे काम में ले सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक गांठ लहसुन की ली थी, इसको भी छील लिया है, और 5 ये साबुत लाल मिर्च ली है। अब मैं एक ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लूंगी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक, इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसे छोंक लेंगे। छोंक लगाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल करीब 4-5 चम्मच लेंगे, क्योंकि चटनी में थोड़ा ऑयल ज्यादा ही होना चाहिए। 1 चुटकी हींग। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा। अब हम इसमें काचरी लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। थोड़ा ये पानी ऐड किया है जिससे जार भी साफ हो जाएगा और ये पूरा इसमें बन जाएगा। तो इसे हमें इस तरह से हिलाना है जिससे ये नीचे लगे नहीं, जले नहीं हमारी चटनी। हमने इसमें मसाला सिर्फ नमक, जीरा और साबुत लाल मिर्ची काम में ली है, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। 8 मिनट हो गए हैं और लग रहा है हमारी चटनी भी रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए कढ़ाई भी तेल छोड़ने लगी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है हमारी चटनी। इसे आप भी जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनी है आपकी चटनी। और अब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।